Actually, let us start the problem. So last time we had some very good conceptual problems regarding these slope and all. Okay, so today we'll go for some more problems regarding this, how to solve them and what are their implications. Fine, so we'll start with the problem first. So the first question which we would like to have here. Wait a minute. Good morning, sir. Okay, we move on to our next problem. So, what does the next problem say? So, let's go on for some more problems regarding this, the numerical, the conceptual parts. So for the next problem we have this, this one, 18. Okay, now we have this particular question. By how much would the stopping potential for a given photosensitive surface go up if the frequency of the incident radiations were to be increased from 4 × 10^15 Hz to 8 × 10^15 Hz? Okay, so initial frequency was 4 × 10^15 Hertz, okay, and the final frequency is 8 × 10^15 Hertz. So these are the two frequencies you can see. Now they want the increment in the value of the stopping potential. Okay, so what we know, we exactly क्या पता है हम कैसे इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं. हमको ये पता है कि अगर हम ग्राफ बनाए जरा थोड़ा सा देख लें, जरा हमने जो पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर ये तुम्हारे पास यहाँ पे इधर की तरफ इस तरीके से कोई एक कर्व हमको मिला करता है ये, ठीक. फिर हमने ये पढ़ा था कि इस तरीके से हमको तुम्हारे पास जो है ये कर्व मिला करता है. जैसा कि हमको पता है कि ये पर्टिकुलर एक इंटेंसिटी है, ठीक, और ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू ये सैचुरेशन करंट को कॉरेस्पॉन्ड करेगी. ये सैचुरेशन तुम्हारे पास करंट यहाँ पे है, ठीक है, ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे आई, ठीक, और ये तुम्हारे पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट तुम्हारे पास वन और ये वी नॉट टू, ठीक है, और हमको पता है कि ये न्यू टू के लिए है, ये न्यू वन के लिए है, ठीक है. तो हमको ये पता है कि न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन, ठीक है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा बढ़ जाता है, ठीक. ना लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन. व्हाट इक्वेशन वी हैव, वी हैव दिस एच एन न्यू माइनस वन प्लस एच एन न्यू नॉट इज इक्वल्स टू बस कितना के ई मैक्स, ये इक्वेशन अपने पास है. सो एच एन न्यू माइनस वन प्लस एच एन न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना ई वी नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन है. इसने कहा ठीक है, चलो फॉर केस वन, इसने कहा कि फॉर तुम्हारे पास केस वन वी कैन राइट एज एच न्यू वन माइनस तुम्हारे पास एच कितना न्यू नॉट, ठीक, न्यू नॉट इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास ई वी नॉट वन. कई लोग ये सोचते हैं कि एच न्यू वन लिखा है माइनस एच न्यू नॉट वन लिखे हैं, दो अलग अलग मेटल थोड़ी ना है. जब दो अलग अलग मेटल होते हैं तब उनकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अलग होती है, जब सेम ही मेटल है तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तो सेम होगी ना. अब तुम
अब तुम इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी क्या लेकर के आ रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो हम न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री न्यू फोर लिख सकते हैं, बट देर इज नो पॉइंट इन राइटिंग एच न्यू नॉट वन एच न्यू नॉट टू बिकॉज द मेटल इज सेम, मेटल इज नॉट चेंजिंग, राइट। सो वी हैव रिटन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। नाउ सिमिलरली फॉर केस टू, इफ आई राइट व्हाट आई कैन से इज एच न्यू टू माइनस हमारे पास एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट टू, राइट। ये हमने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बताओ कितना चेंज हुआ तुम्हारे पास फोटोसेंसिटिव। तो इसने कहा ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या बोला इसने कहा, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, सब्ट्रैक्टिंग तुम्हारे पास वन फ्रॉम टू, तो ये हो गया है ई वी नॉट टू माइनस तुम्हारे पास ई वी नॉट वन इज इक्वल्स टू एच न्यू टू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट माइनस वन बस एच न्यू नॉट वन माइनस वन बस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब उन्होंने निकाला ई वी नॉट टू माइनस बस वी नॉट वन इक्वल्स टू एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू वन प्लस एच न्यू नॉट, राइट। ये दोनों कैंसिल करते हैं हम लोग, राइट। सो ई वी नॉट टू माइनस तुम्हारे पास वी नॉट वन इक्वल्स टू एच न्यू टू माइनस तुम्हारे पास न्यू वन, ठीक। So what we had to calculate, we had to calculate the increment in the stopping potential value, right? So V naught 2 minus 1 plus V naught 1 is equals to H upon E plus mu 2 minus mu 1. अब तो हमें सारी वैल्यू पता ही है, 6.6 into 10 की पावर minus 34 into हमारे पास mu 2 minus mu 1, 8 into 10 की पावर 15 minus 4 into 10 की पावर 15, ठीक है, अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक। अब ये हमारे पास एसआई यूनिट पे ही पूरा आ जाएगा, कोई सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह का, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट किए करेंगे तो वी नॉट टू माइनस वी नॉट, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और आपके पास थोड़ा सा समय की कमी है, अब जैसे कि यहाँ पे एच की वैल्यू हमें 6.4 दे रखी है, ऐसा क्यों किया है? ऐसा हमेशा क्वेश्चन इसलिए करता है सो दैट यू कैन मेक योर कैलकुलेशन इजी, बस इसलिए करता है। तो हमने कहा कि ठीक है चलो हम 6.4 इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कभी सवाल आए तो एक बार जरा उसकी एच और ई और उन सबकी वैल्यू जरूर देख लेना, क्योंकि तो हमें लगता है कि हमको पता है तो हम क्यों देखें, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसने 6.6 की जगह 6.4 यूज़ कर रखा होता है, या 6.7 यूज़ कर रखा होता है, या 6.5 यूज़ कर रखा होता है, और हम इसी बात में फंस जाते हैं कि 6.6 यूज है तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है, ठीक है, ये बात है। तो 1.6 इंटू तुम्हारे पास 4, ये क्या 4 इंटू ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 15, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू ये हो गया 10 गया 15, ये दोनों कैंसिल हुए, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 16 वोल्ट, इस तरीके से आंसर, ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन, ये सब बहुत बेसिक से सवाल हैं, आते ही हैं एग्जाम में, अब एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है, चीज़ें और बेहतर तरीके से आएंगी, डिफिकल्ट भी होंगी, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। चलो आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या बोला इसने, इसने कहा एक ये क्वेश्चन है, इसने कहा कि डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट एच इफ लेट इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ सर्टेन मेटल सरफेस बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.2 इनटू 10 की पावर 15 नंबर हर्ट्ज आर फुल्ली रिटार्डेड बाय अ रिवर्स पोटेंशियल ऑफ द 6.6 वोल्ट एंड दोस एमिटेड बाय अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.6 इनटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज आर स्टॉप बाय अ रिवर्स पोटेंशियल ऑफ 16.5 वोल्ट। अब यार ये तो बहुत सिंपल सवाल दे दिया इसने, इसने कहा कि जब हमने 2.2 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज पे दी थी, है ना, तो जो रिवर्स पोटेंशियल था हमारा वो 6.6 वोल्ट था, लेकिन जब हमने 4.6 इंटू 10 की पावर 15 तुम्हारे पास हर्ट्ज पे दी थी तो जो हमारा रिवर्स पोटेंशियल था वो हमारा 16.5 वोल्ट का था। इसने कहा अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने कहा कि आपको क्या निकालने का है, आपको प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई
न्यू टू माइनस न्यू वन यही से निकाल देते हैं ना, वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन अपॉन न्यू टू माइनस न्यू वन ठीक इन टू हमारे पास ई इज इक्वल टू एच राइट। सो 16.5 माइनस 6.6 अपॉन हमारे पास कितना 4.6 इंटू 10 की पावर 15 ठीक माइनस माइनस 2.2 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 h। अब तुमको ये पता है h की वैल्यू क्या आती है, तो ये नहीं कि बैठे तुम कैलकुलेट करने लग जाओगे, सीधे जो वैल्यू आती है उसको डाटा से पुट कर देना ठीक है। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अगर जूल सेकेंड इस तरीके से आंसर आ गया ठीक है। एक इजी सा क्वेश्चन है ठीक है, दे मे गिव यू ये जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर वाला हो तो कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू में डाल सकते हैं अगर उनको न्यूमेरिकल डालना हो है ना, दे हैव अ गुड चांस पुटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कुछ कह रहा है कि ये वाला अगला सवाल हमसे कह रहा है भाई, अ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 3310 एंगस्ट्रॉम, ए फोटोन है जिसका वेवलेंथ 3310 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ फोटो कैथोड एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 3×10 के माइनस 19। फोटो कैथोड क्या है, अभी आप ऐसा समझो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बात होती है ठीक है। अभी जब सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे जो लास्ट चैप्टर होगा क्लास 12 का, इन दैट वी आर गोइंग टू सी सो मेनी डिवाइसेस राइट, फोटो कैथोड है ना और क्या नाम है कई सारी एलईडी लाइट्स है ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, तो जब आएगा तब आएगा, अभी तो नहीं आया ठीक। तो ये क्या बोला कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 3310 एंगस्ट्रॉम, वो किसी फोटो कैथोड पे पड़ता है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है अपने साथ ये एनर्जी लेकर के निकलता है ठीक है। उसने कहा ठीक कोई बात नहीं, फिर उसने क्या बोला, फिर उसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि एनर्जी इतना ठीक है, इस यहाँ पे एक लाइन छूट गई है अभी तो मैं लैंग्वेज देता हूँ यहाँ पे, फोटोन ऑफ क्या नाम है एनर्जी इज तुम्हारे पास जो है इजेक्टेड, इज तुम्हारे पास इजेक्टेड ओके, इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन ठीक है is changed ठीक है। अच्छा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है a photon of the wavelength 1310 angstrom falls on a photocathode and an electron of energy 3×10⁻¹⁹ joule is ejected okay if the wavelength of the incident photon is changed to 5000 angstrom the energy of the ejected electron is 9.72×10⁻¹⁹ joule calculate the values of Planck's constant and the threshold wavelength of the photon। इसने तुमसे क्या कहा, इसने कहा कि हम तुमको जो है कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो इसने कहा जब लैम्डा वन तुम्हारे पास 3310 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम थी ठीक है, तो जो एनर्जी तुम्हारे पास एमिट हुई है वो हुई है 3×10⁻¹⁹ तुम्हारे जूल ठीक, और जब लैम्डा टू तुम्हारे पास कितनी हो गई है, ये हो गई है 5000 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम हो गई है, तो जो एनर्जी एमिट हुई है वो कितनी है 9.72×10 की पावर माइनस 20 जूल ठीक, ये तुम्हारे पास है खेल यहाँ पे। इसने कहा ठीक है भाई बड़ी बढ़िया। अब इसने क्या बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने वाले हैं ठीक है। इसने कहा कि ठीक है हाँ निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको ये पता है कि जब फोटो सेंसिटिव मटीरियल पे कोई लाइट पड़ती है तो यहाँ से जो है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पर तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं ठीक है। उल्टा बना दिया मैंने, ये बनाना चाहिए था आपको, यहाँ पे जब तुम्हारे पास फोटोन, यहाँ पे जब तुम्हारे पास फोटोन यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स वापस निकला करते हैं इस तरीके से ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला करते हैं। तो हमको यार ये पता है कि जो के ई मैक्स होता है ठीक है, जो के ई मैक्स होता है वही अपना तुम्हारे पास ई वी नॉट होता है, वही अपना एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट होता है ना, होता तो है। तो इसने कहा हम लिख सकते हैं ईवन इज इक्वल्स टू एच न्यू वन माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट एंड ई टू इज इक्वल्स टू एच न्यू वन माइनस एच न्यू टू माइनस तुम्हारे पास कितना एच न्यू नॉट ठीक है।
अब आप समझिएगा जरा इस बात को क्या बोला इसने। पिछली बार हमको एक जो सवाल किया था हम लोगों ने ऊपर, इसमें हमारा ईवी नॉट वेरी कर रहा, मतलब जो सॉल्विंग पोटेंशियल था वो वेरी कर रहा था। दिस टाइम वी हैव बीन गिवन द सेम प्रॉब्लम बट दिस टाइम आवर मेन पॉइंट इज द एनर्जी ऑफ द फोटो करेंट फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि तुम्हारे पास कैथोड प्लेट से बाहर निकल रहे हैं। बात उनकी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज लाइक कि वी हैव टू कैलकुलेट द एच वैल्यूज, लाइक हमको एच वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है, पुट कर दिया। हमने कहा कि ठीक है भाई कैसे कर सकते हैं, उसने कहा बस सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या करोगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने लिखा ई टू माइनस तुम्हारे पास ई वन, एच तुम्हारे पास न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, तुम्हारे पास कितना, और तुम्हारे पास एच तुम्हारे पास न्यू वन माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, राइट, ये वैल्यू है। तो 9.72 इंटू 10 की पावर माइनस 20 माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एच तुम्हारे पास न्यू टू माइनस न्यू वन माइनस ऑफ एच न्यू नॉट प्लस ऑफ एच न्यू नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ठीक है भाई। तो 9.72 मतलब 6.72 इंटू नहीं सर, ये तो बस 9.72 इंटू 10 की पावर कितना हमारे पास माइनस 20 है, ये वैल्यू यहाँ पे निकालने का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। अब देखिए जरा, तो इसने कहा कि ये वैल्यू पहले तो हमको कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले तो हमको निकालनी पड़ेगी एच की वैल्यू, राइट, पहले हमको निकालनी पड़ेगी एच की वैल्यू। तो हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 9.72 माइनस इंटू प्लस 10 की पावर माइनस 20 और 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसीज। अब फ्रिक्वेंसीज को है ही नहीं, इसने कहा कि एक काम कर सकते हैं, सी इक्वल्स टू होता है म्यू लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू न्यू लिख लेते हैं। इसने कहा ठीक है, तो एच सी वन अपॉन लैम्डा टू माइनस वन अपॉन लैम्डा वन, कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वन अपॉन लैम्डा टू को हम लोगों ने लिख लिया, वन अपॉन लैम्डा वन को हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है सर। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 9.72 इंटू 10 की पावर माइनस 20 माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू एच इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1 अपॉन 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 माइनस 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना, 1 अपॉन तुम्हारे पास 33 10 इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 10, ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास। ये हमने एक्सप्रेशन लिखा और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही शख्स गायब है और वो है तुम्हारे पास एच, ठीक। हमने फिर जब सॉल्व किया तो सिंपल सी बात है, एच की वैल्यू तो आएगी आएगी, और एच की वैल्यू आई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 पावर जूल सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ से एच की पावर आई। बस समझ में, ठीक है, ऐसे होगा ये सवाल। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। अब वो हमसे क्या मांग रहे हैं, अब वो हमसे मांग रहे हैं तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन, लेकिन ठीक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। अब जैसा कि हमको पता है कि ई वन इज इक्वल्स टू एच तुम्हारे पास न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट लिखा है, ठीक है, एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू वन माइनस तुम्हारे पास ई वन लिखा है। इसे हम एच सी बाय लैम्डा नॉट कह सकते हैं, इसे हम एच सी बाय लैम्डा वन कह सकते हैं, और इसे हम ई वन कह सकते हैं। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि सारी की सारी वैल्यू तो पता ही है, इसने कहा पता तो है। तो इसने कहा ठीक है बस, वन अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा वन माइनस ई वन अपॉन तुम्हारे पास एच सी, ठीक, यहाँ पे बस आप वैल्यू पुट कर डालो, वन अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन 33 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 माइनस ई वन की वैल्यू, ई वन की वैल्यू 9.72 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर प्लस 8, ओके, वैल्यू आप पुट कर दी। उसने कहा हाँ ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, कुछ आई हमारे पास। तो लैम्डा नॉट की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगा 6620 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 6620 प्लस क्या एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से हम लोग, ठीक है। So this is how you are going to do the question. अब देखा जाए तो dual nature के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जुगाड़ लगाना है, ठीक है, मतलब कि मामला इधर से उधर हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, बस यही चल रहा है और कुछ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खास है नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ पर, उन्होंने, ठीक, चलो।
एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और क्या क्या रखा है इसमें, इसमें वो रखा है कि एक तो ये है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है अपने को, द वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर द वायलेट कलर, 550 नैनोमीटर फॉर द येलो ग्रीन कलर, ठीक है 760 नैनोमीटर फॉर द रेड कलर। अब ये ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग आने वाले समय में, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको दसियों सवाल करने पड़ेंगे विद योर पे, ठीक है, तो यू वुड बी एबल टू लर्न दीज वैल्यूज ऑन योर ओन, ठीक है। वट आर द एनर्जीज ऑफ द फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट द वायलेट लाइट, अगर वायलेट लाइट भेजे तो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास येलो ग्रीन कलर की एवरेज वेवलेंथ पे भेजें तो, अगर रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम भेजें तो तुम्हारे पास एनर्जीज क्या होंगी ये निकालना है। हमने कहा ठीक है, तो पहले तो हम जरा नोट कर लें कि लैम्डा फॉर द, तुम्हारे पास लैम्डा फॉर द वॉयलेट कलर दे रखा है इन्होंने 390 नैनोमीटर, ठीक, लैम्डा फॉर द येलो ग्रीन का एवरेज वेवलेंथ दे रखा है कितना 550 नैनोमीटर, ठीक, एंड लैम्डा फॉर द रेड लाइट का दे रखा है इन्होंने कितना, इधर का 760 वापस नैनोमीटर, राइट, ये दे रखा है। अब इन्होंने कहा व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ द फोटॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चाहिए, इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चाहिए कि किस पे चाहिए, क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग कर ले जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि यार क्या करना था हम लोग को, ठीक है, इस बात का ध्यान रखने का, ठीक, चल देखते हैं। तो अब सबसे पहले हमको पता है ई इक्वल्स टू होता है एच न्यू बोले तो एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो ई फॉर द वॉलेट वाले के लिए 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा, ठीक है, 390 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और आपको पता है आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक, ये वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, ये वैल्यू पुट करी कितना आ गया, ये वैल्यू पुट करी आ गया 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। सिमिलरली तुम्हारे पास वाई जी के लिए निकाला तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, ठीक है, 550 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनी इनकी, 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनी, 2.2 तुम्हारे पास 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनी, ठीक। सेम तरीके से आर के लिए निकाला तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन तुम्हारे पास कितना 760 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सॉल्व किया और ये आ गई 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसमें तो यार कुछ खास नहीं है, ये तो यार तुमको पता ही, एक तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें क्या बताते हैं, ठीक। इसने कहा था कि फलाना तीन अलग अलग कलर की लाइट को तुम्हारे पास किसी फोटो सेंसिटिव मटीरियल पे तुम्हारे पास इंसिडेंट किया गया होगा, है ना, और आपने बताने का है कि तुम्हारे पास उनकी एनर्जीज क्या है, तो आपने इस तरीके से उनकी एनर्जीज बता दी, राइट, फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल विद वर फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 10.1। अब टेबल 10.1 मैं आपको पहले दे देता हूँ, ठीक है, सो दैट वी कैन टॉक फर्दर। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टेबल, ये टेबल इन्होंने कर रखी है जिसमें इधर जो है मेटल के बारे में बोला है, मेटल के बारे में बोल दिया है, और इधर हमको उसके वर्क फंक्शन दे दिए हैं, पहला दे दिया है एन ए, फिर दे दिया है के, फिर दे दिया है तुम्हारे पास जो है सी ए, और फिर दे दिया है तुम्हारे पास एम ओ, ठीक है। एक मिनट, ये वैल्यू व्यक्ति ज़रा चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, शायद सी डी एम की है कि किसकी है, ये तुम्हारे पास पार्ट थ्री पॉइंट टू जीरो तुम्हारे पास यहाँ पर 3.20, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे, हाँ,
और इसे इतना बस देख, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.92, ठीक है, ऑल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड इसकी दे रखी है 2.15, इसकी दे रखी है 3.20, इसकी दे रखी है 4.17। अब ये कह रहा है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सेंसिटिव मटेरियल विद द अबव मेंशन लिस्टेड इन टेबल 10.1 एंड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ 1 2 एंड 3 ऑफ ए यू कैन बिल्ड अ फोटो कैन यू बिल्ड अ फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स विद विजिबल लाइट। अब देखो जरा, ये कह रहा है कि हमें एनर्जी तीनों के बारे में पता है, हमें एनर्जी तीनों की पता है, तीनों की मतलब किसकी, वायलेट की, येलो ग्रीन की और रेड की, ठीक है। सो वायलेट की पता है अपन लोग को 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। येलो ग्रीन की हमको पता है कि 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको रेड की पता है कि 1.604 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब इसने कहा कि हमको ये पता है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना है, ठीक है, तो न्यू को न्यू नॉट से ज़्यादा होना है या फिर न्यू को न्यू नॉट से बराबर होना है। इसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं, इसमें बराबर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, सरफेस पे आ जाते हैं। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें अगर न्यू बराबर लेस देन न्यू नॉट हुआ तो नॉट पॉसिबल, ये तो होगा ही नहीं, ये तो तुम्हारे पास जो है होगा ही नहीं। इसने कहा ठीक है भाई, तो सीधी सी बात ये समझ आई कि अगर इफ़ ई तुम्हारे पास ग्रेटर देन, अगर तुम्हारे पास न्यू नॉट से ज़्यादा है बोले तो एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट है, बोले तो ई अगर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, ठीक है, फॉर गिवन मेटल के लिए अगर तुम्हारे पास ई ग्रेटर देन तुम्हारे पास है, ठीक है, ये वैल्यू क्या नाम है फाइव नॉट से ज़्यादा है, देन ओनली यू कैन सी डैट कि भैया एमिशन होने वाला है या एमिशन नहीं होने वाला है। इसने कहा यार ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सबसे पहले बात कर लिया जाए, जब वॉयलेट लाइट भेजी जाएगी, ठीक है, वॉयलेट लाइट का जो ई बी है वो है 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एन ए से तो ज़्यादा है काम हो जाएगा, ठीक है, ए से भी ज़्यादा है काम हो जाएगा, सी ए से तो नहीं हो पाएगा, नहीं सी ए से तो नहीं हो पाएगा, और एम ओ से भी नहीं हो पाएगा, ठीक। फिर हमने एक बार बस येलो ग्रीन के लिए भेजा, फिर हमने येलो ग्रीन के लिए भेजा, क्या पता लगा कि तुम्हारे पास येलो ग्रीन की वैल्यू है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, ये पर्टिकुलर वैल्यू है। हमने कहा ठीक, अब देखो एन ए से तुम्हारे पास एमिशन हो जाएगा, के से भी एमिशन तुम्हारे पास हो जाएगा, सी ए से तुम्हारे पास नहीं होगा, और तुम्हारे पास एम ओ से भी तुम्हारे पास नहीं होगा। सेम तरीके से ले आए हम लोग रेड लाइट, ठीक, रेड लाइट लेकर के आ गए, ई ऑफ द रेड कितना है 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन ए से तुम्हारे पास नहीं होगा, के से नहीं होगा, सी ए से नहीं होगा, और एम ओ से नहीं होगा। तो ये हमको रिजल्ट पता लगा कि जब वॉलेट लाइट भेजोगे तो किससे एमिशन होगा, ये लोग ग्रीन भेजोगे तो किससे एमिशन होगा, रेड से भेजोगे तो किससे एमिशन होगा। इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत टफ तो नहीं है। एनर्जी 1/1240 तो एनर्जी इक्वल्स टू 12, ये वो है बेटा जो एक्सप्रेशन तुमने लिखा है ना, ये वो है, क्या नाम है, पार्टिकल नेचर पे आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ दी तुम्हारे पास रेडिएशन, ठीक है। सो तुम्हारे पास हाँ वेवलेंथ और क्या नाम है मैनोमीटर भी होता है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन ये अभी आगे पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है, ये अभी एक डिराइव करवाएंगे फॉर्मूला तुम्हारे पास आने वाले समय में, जिसमें 1240 नहीं होता एग्जैक्टली वैल्यू, ये वैल्यू होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी वाला पार्ट एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, होता है। बाकी एक और एक्सप्रेशन आता है, ये अभी आने वाले समय में जब आपको पार्टिकल नेचर पढ़ाएंगे, डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे, तब आपको ये चीज़ समझाएंगे, अभी वो पढ़ाया नहीं हमने, वो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया एक बार, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारे पास, ये क्या नाम है बेसिक सवाल, कुछ सवाल मेरे पास और हैं जो कि काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल हैं, उनको भी आप देखते चलिए साथ साथ, ठीक है। हाँ चलो
नाउ लेट्स गो फॉर सम मोर क्वेश्चंस। कुछ और हम लोग क्वेश्चंस तरफ पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा डी ब्रोकली की तरफ, क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है चैप्टर का नाम। रेडिएशन तो हम लोग लगभग लगभग खत्म करने वाले हैं और अब हमको मैटर का स्टार्ट करना है, तो अभी हम लोग मैटर का स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन और देखना चाहेंगे यहाँ पे, देखते हैं जरा। तो यहाँ पे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अब ये क्वेश्चन आया है, उसने कहा कि ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टिव प्लेट पोटेंशियल फॉर द टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग द सेम इंटेंसिटी इन विच केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी हायर, ठीक है, इन विच केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी हायर और जस्टिफाई योर आंसर। इसने कहा कि एक प्लॉट बनाओ जिसमें हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन दिखाना है आपको कलेक्टिव प्लेट पोटेंशियल के साथ, तो यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके जितने भी ग्राफ है बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ उन ग्राफ्स पे ही डिपेंड है, बाकी ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। ठीक, आई और ये तुम्हारे पास जो है माइनस ऑफ द बी और ये प्लस ऑफ बी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पॉजिटिव बी जो है वो अपना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, नेगेटिव बी जो है वो अपना रिटार्डिंग पोटेंशियल, राइट। ठीक है, सो यू मस्ट कंसिडर दिस पॉइंट। सो एक तो तुम्हारे पास जैसा कि मैंने अभी बनाया था, एक तो तुम्हारे पास ये हो गया कर, ठीक, और एक कर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया है ये वाला, ठीक, ऐसे। तो ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू तुम्हारे पास सैचुरेशन करंट है, मैंने अभी थोड़े पहले बनाया भी था, सैचुरेशन करंट है, ठीक है। अब इसने हमसे कहा कि हमको फोटो करंट और कलेक्टर प्लेट में चाहिए फॉर टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, जबकि न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू है, ये हो जाएगा न्यू वी नॉट टू, ये हो जाएगा वी नॉट वन, ये कॉरस्पॉन्ड करेगा न्यू वन को, ये कॉरस्पॉन्ड करेगा न्यू टू को, ठीक है। अब न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू है, मतलब फ्रीक्वेंसी वन तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी टू से तुम्हारे पास ज़्यादा है। इसने कहा अगर फ्रीक्वेंसी वन फ्रीक्वेंसी टू से ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी वन फ्रीक्वेंसी टू से ज़्यादा है तो मतलब वी नॉट वन भी वी नॉट टू से ज़्यादा होगा, और ये किसके लिए, और तुम्हारे पास सेम इंटेंसिटी के, ये किसके लिए, और तुम्हारे पास सेम इंटेंसिटी के, ठीक, सेम इंटेंसिटी है ये तुम्हारे पास जो है इंटेंसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, ग्राफ मैंने जितने पढ़ाए थे वो तो देखिए आपको प्यार रखना ही रखना है, आपको दिखा भी देता हूँ मैंने वो क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है, पीछे ले चलते हैं वगैरह। तो ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल एनालिसिस चल रही है, इसके बाद मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर थोड़ा ग्राफ, यहाँ पर हाँ यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ वगैरह पढ़ाए थे। देखो एक ग्राफ मैंने ये पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था लाइट इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक, और इसके बाद जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, ठीक है, वो ये पढ़ाया था कि अगर हमें एक ग्राफ बनाना होगा तो ये सैचुरेशन करंट कहलाएगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक। फिर हमने आपको ग्राफ भी पढ़ाया था एक पार्ट, फिर हमने एक ये ग्राफ बनाया था जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी सैचुरेशन करंट वैल्यू भी तुम्हारे पास क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसने कहा हाँ ठीक है, सैचुरेशन करंट वैल्यू भी तुम्हारे पास, अरे भाई नीचे आओ, सैचुरेशन करंट वैल्यू भी तुम्हारे पास जो है बढ़ती चली जाएगी, ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू तुम्हारे पास कांस्टेंट रह रही है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल को तुम्हारी इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। दो लोग इंटेंसिटी से बहुत चिढ़ते हैं, एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी और एक का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक, और देखा जाए तो अलग अलग बात क्यों ही कहनी है यार, हम लोग को ये पता है कि के ई मैक्स जो है वो तुम्हारे पास मतलब नहीं रखना चाहता है, वो मतलब नहीं रखना चाहता है तुम्हारे पास किससे, इंटेंसिटी से। तो वी कैन से यार कि ई वी नॉट मतलब नहीं रखना चाहता है तुम्हारे पास किससे, इंटेंसिटी, है ना, ठीक है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एक्चुअल में इंटेंसिटी से, काइनेटिक एनर्जी जो है जो इंटेंसिटी से, ये लोग मतलब ही नहीं रखते हैं, आपको जो बढ़ाना है बढ़ाओ, उनसे मतलब नहीं, ठीक, ठीक है भाई चलो। फिर मैंने एक ग्राफ आपको और पढ़ाए थे, आपको मैं याद दिला देता हूँ कौन कौन सा मैंने पढ़ाया था, ठीक, यहाँ पे देखिए ये वाला ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ऐसा है कि ये तुम्हारे पास सैचुरेशन करंट है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारे पास रिटार्डिंग पोटेंशियल, बोले तो तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो फिक्स वैल्यूज हैं वो भी तुम्हारे पास बढ़ती ही चली जाएंगी, राइट।
मैंने ये पढ़ाया था, फिर मैंने एक ग्राफ, ये तो अलग ही ग्राफ है, इसका तो स्लोप से लेना देना, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ ग्राफ अभी आपको लिखा है ना, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। डुअल में इन्हीं का सबसे बड़ा खेल होता है, ठीक है, और बाकी कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है आपको ऐसा। चलो अगला देखते हैं। तो हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, वहाँ पहुँचते हैं। तो उन्होंने ये बात करी थी कि भैया तुम्हारे पास जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज बढ़ेंगी, है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर एक्सिस को नाम देते हैं हम लोग तुम्हारे पास रिटार्डिंग पोटेंशियल वाली एक्सिस, और इस पर्टिकुलर एक्सिस को क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं तुम्हारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाली एक्सिस, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाली एक्सिस और रिटार्डिंग पोटेंशियल वाली तुम्हारे पास एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो तुम्हारे पास है, ये लोग और ये लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल एक्सेस में पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है ना बेटा। तो ये तुम्हारे पास कहलाएंगे क्या, ये कहलाएंगे तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या कहलाएंगे तुम्हारे पास, ये कहलाएंगे तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, सबको अलग अलग मतलब समझ लो। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब ये पॉजिटिव वी एक्सेस को, ठीक है ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव वी एक्सेस, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू, रिटार्डिंग पोटेंशियल के एक्सेस में कुछ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सैचुरेशन करंट और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें तुम्हारे को यहाँ पर दिखाई देने को दिखाई देंगी, ठीक है भाई। चल, तो इन्होंने कहा इन विच केस ज़्यादा है, तो हमने बता दिया यार कि यार वी नॉट वन वी नॉट टू जाता है, बस इतना ही सोना ना, बाकी इसके अंदर कुछ था ऐसा बताने लायक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक क्वेश्चन हमको इसने दे रखा है, आपको दिखाते हैं ज़रा क्या है क्वेश्चन। स्केच ग्राफ शोइंग द वेरिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल ए एंड बी हैविंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू ए ग्रेटर देन न्यू बी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखे न्यू ए और तुम्हारे न्यू बी, ने कहा इन विच केस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर, बाय डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज, एक्सप्लेन, ठीक। अब इसने कहा कि हमको ग्राफ बनाने का, तो ग्राफ तो मैं इसमें सिखाया हूँ, आराम से सिखाया हूँ ग्राफ, बहुत सारे सिखाया हूँ, ठीक है। अब इसने कहा कि हमको क्या चाहिए ना, हमको चाहिए है स्टॉपिंग पोटेंशियल और तुम्हारे पास न्यू पे ग्राफ चाहिए, इसने कहा ठीक है चलो सही। तो हमने यहाँ पे बनाया वैल्यूज, एक बराबर ये ग्राफ हो गया, ठीक है, और एक तुम्हारे पास जो है ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये ग्राफ हो गया और एक तुम्हारे पास जो है ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है, कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, हमको साफ पता है कि जो यहाँ पे न्यू ए है वो न्यू बी से ज़्यादा है। अब देखो ऐसा है, हम लोगों ने तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट समथिंग करके पढ़ा, ठीक है, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज एग्जैक्टली द करेक्ट पार्ट, राइट। सो वट एवर द क्वेश्चन सेज, ये जो बड़े कह रहे हैं वो मान लो चुपचाप वाला हिसाब है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं और अब आप इसमें मुझसे कुछ दे रहे मत करिए, ठीक है, नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा यार इसे न्यू ए बोल दो, इसे न्यू बी बोल दो, ये मत कहना कि आपने न्यू नॉट नहीं लगाया है, आप ये गलत है, नहीं, जो सवाल बोलेगा हम उस हिसाब से करेंगे। वो भी डैश लगा करके दे देता न्यू के ऊपर, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये न्यू ए एंड न्यू बी आर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, दे आर नॉट द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसीज, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। इसने कहा ठीक है चलो आगे देखते हैं। अब इसने कहा कि क्या मांग रहे हो तुम, इसने कहा इन विच इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर एंड वाई, किस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है और क्यों। हमने कहा ठीक है, पहले तो जनों में बनाना चाहूँगा कि सर के ई मैक्स वाली इक्वेशन लिखना चाहूँगा, ये जो के ई मैक्स वाली इक्वेशन है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितने न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ इतने न्यूमेरिकल कर लोगे तो 100% तुम्हारे सारा पार्ट कवर हो जाएगा। बट फिर मैं आपको लगातार देता रहूँगा थ्रू आउट द ईयर कंटेंट, आपको कंटेंट बहुत होगा, पढ़ते रहना काम होता जाएगा आपका। अच्छा भाई, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, ठीक, ये तुम्हारे पास आ गया है। सो अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि वही बात कर लेते हैं कि एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू माइनस वापस एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू नॉट, है ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन है। इसने कहा हाँ ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इस सवाल में हमको इंसिडेंट के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया, इंसिडेंट के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इंसिडेंट को उन्होंने सेम रखना है। इसने कहा अच्छा, तो वी नॉट ए लिखा हम लोगों ने, ठीक है,
और एच तुम्हारे पास न्यू क्या नाम है रखा, माइनस तुम्हारे पास एच अपॉन ई, यहाँ पे न्यू नॉट जो कि थ्रेशोल्ड है वहां पे जाके न्यू ए रख दिया उसने, कर ठीक है। वी नॉट बी रखा है इन्होंने, एच अपॉन ई न्यू रखा, एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू 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 तुम्हारे पास जो है बी रख दिया उसने, कर ठीक है। आपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की जगह रख दिया क्या? हाँ, जैसा कि सवाल दिया है ना हम वैसे ही कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक। अब हमसे कहा गया कि बताओ ये कौन ज्यादा है, देखो उसकी टेक्निक हमने पढ़ाई थी, इसको 100 मान लिया माइनस। अब न्यू ए तुम्हारे पास साफ गिवन है कि न्यू ए तुम्हारे पास न्यू बी से ज्यादा है, तो इसका मतलब है एच न्यू ए अपॉन ई तुम्हारे पास एच न्यू बी अपॉन ई से ज्यादा है, तो इसको मान लो कि ये 60 है, ठीक है। और इसको क्या मान लो, इसको मान लो कि ये 40 है, ये कितना आया 40, ये कितना आया 60, बस अब कुछ जरूरत बताने नहीं है। ये जो काम तुम कर रहे हो ना 160 40, टीचर को नहीं दिखाने का है, टीचर को नहीं दिखाना, रफ वर्क में कर लेना, ठीक है। बस अपने रियल लिखना और रियल के बाद सीधे ये लिखना कि सिंस, ऐसा लिखना सिंस तुम्हारा न्यू ए ग्रेटर देन तुम्हारे पास न्यू बी है, व्हाट आई कैन से इज कि न्यू वी नॉट बी बराबर वी नॉट ए से ग्रेटर, ऐसा यहाँ पे डायरेक्टली लिख के चले आना, ठीक ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब क्या है स्लोप क्या है? अब हमने कहा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन से स्लोप हमको क्या पता लगता है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमको स्लोप पता लगता है इसकी वैल्यू है कितनी, एच अपॉन ई, ठीक है। अब एच अपॉन ई या प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। तो इसने कहा कि चूंकि स्लोप में तो वापस एच अपॉन ई है, ठीक है, एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, ई तो वापस चार्ज है, इसने कहा दे आर नॉट द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा भी मटेरियल हो इनको क्या फर्क पड़ता है ना, एच को क्या फर्क पड़ता है, ई को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो बस ठीक है, बढ़िया आराम से चलता रहेगा, काम होता रहेगा, क्लियर है बात, है ना। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तो यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब एमसीक्यू में क्या दे देंगे वो लोग, ऐसा कुछ नहीं दे देंगे, ऐसा इन्हीं सब क्वेश्चन को उठा करके चार स्टेटमेंट बना देंगे, असर्शन रीजन और दिमाग खराब करने वाली बात बता देंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, है ना, वही ऐसा फिर सब चीजें बोलेंगे और ऐसा सवाल बना देंगे, बस खत्म, ठीक है। और देखते चलो आगे, अगला सवाल क्या बोला हमसे, अगला सवाल हमसे आपको ये बोला है कि हाँ बेटा ग्राफ की स्लोप चेंज नहीं हो रही है क्या, कांस्टेंट है क्या, कह रही हो तो फिर से बता सर, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो एच अपॉन ई है, एच तो कांस्टेंट होता ही है और ई तो होता ही है, तो क्या ये कांस्टेंट है? और क्या, देखो ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला और ये वाला, अपन लोग पढ़े हैं ना बचपन में कि दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल जाएगी तो क्या नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, वही तो है ये लाइन, तो दो दो ये दो लाइन तो पैरेलल है कि नहीं ये बताओ, पैरेलल है कि नहीं, दोनों लाइन पैरेलल है ना, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर, इसका मतलब ये दोनों स्लोप बराबर, ठीक है। स्लोप को फर्क ही क्या पड़ा, स्लोप को तुम्हारे क्या न्यू है और क्या वी नॉट है मतलब है, कोई मतलब ही नहीं उसको, उसको सिर्फ एच अपॉन ही चाहिए, वह एच अपॉन की उसको ई अपॉन मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ तक, अब नेक्स्ट बात हम लोग यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट बात देख लेते हैं जरा। हाँ ये रहा सवाल मिल गया तो था, ये रहा, सो ये रहा क्वेश्चन अपना, इसने कहा द ग्राफ ऑफ द फिगर शोज, ग्राफ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ क्या दे रखा है इन्होंने, ग्राफ दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है ग्राफ, ए कुछ ऐसे दे रखा है, सबसे पहले क्या बना दिया, चलिए ये बना दिया है कुछ, और फिर कुछ ये बना दिया है, ठीक, और फिर कुछ ये बना दिया, ठीक। ये ग्राफ को जैसे बना करके हमको दिया है, और ये ग्राफ बना के दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और तुम्हारे पास वही हमेशा की तरीके से रिगार्डिंग पोटेंशियल वाला वैल्यू, ठीक। और हमको ये लिख के दिया है कि ये न्यू वन है, ये लिख के दिया है ये न्यू टू है, और ये लिख के दिया है कि ये तुम्हारे पास जो है न्यू थ्री है, ठीक। द ग्राफ ऑफ द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट विद द प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विद फिजिकल पैरामीटर इज कैप्ट कांस्टेंट फॉर थ्री कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
which physical parameter is kept constant for the three curve. अब ये बात यार आपको क्या नाम है जादू से नहीं आएगी, ना तो किसी फॉर्मूले से आएगी, या सीधी सी बात है फॉर्मूला क्या लगाओगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाई थी, अभी मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाई थी ये बात कि जब हम इस तरीके का ग्राफ ये पर्टिकुलर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से, ठीक है। और जब आपने ये पर्टिकुलर ग्राफ देखा, यहाँ पे हमको दिखा कि इंटेंसिटी और इस तरीके से आ गया, जब हमने आपको एक और ग्राफ दिखाया था उसमें देखिएगा जरा, मेरे घर से जहाँ तक है शायद यहाँ होगा, हाँ ये वाला ग्राफ, सेचुरेशन करंट वाला ग्राफ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, सेचुरेशन करंट जो तुम्हारे पास है वो कांस्टेंट है, सेचुरेशन करंट कांस्टेंट है, सेचुरेशन करंट कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इस ग्राफ को जरा बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि सेचुरेशन करंट कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, इसने कहा कि न्यू वी नॉट वन, वी नॉट टू, वी नॉट थ्री तुम्हारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू है, न्यू थ्री, न्यू टू, न्यू वन ज़्यादा है और ये सेचुरेशन करंट है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे क्वेश्चन में बोला गया ये न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री है, पहली बात तो विच फिजिकल पैरामीटर है इसका कौन सा, इसने कहा कि वो फिजिकल पैरामीटर, इसने कहा कि वो फिजिकल पैरामीटर जिसको कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखा गया है, सर वो तो इंटेंसिटी है, आप ये मत कह देना कि वो तुम्हारे पास सेचुरेशन करंट है। यार सेचुरेशन करंट को कहाँ कॉन्स्टेंट रखेंगे, सेचुरेशन करंट तो वो मैक्सिमम करंट है जो कि पॉसिबल है, उसको कॉन्स्टेंट नहीं किया जाता है, इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, इंटेंसिटी को। अभी इंटेंसिटी के बारे में तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा इंटेंसिटी के बारे में, क्यों नहीं पढ़ाया गया, इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाई गई है। अभी वेव ऑप्टिक्स आती तो पढ़ाता है इंटरफेरेंस, तो पढ़ाता डिफ्रेक्शन, तो पढ़ाते पोलराइजेशन, तो कुछ भी पढ़ाया नहीं है। इंटेंसिटी के बारे में तुमको ज़्यादा पता नहीं, इंटेंसिटी के मामले में ऐसा समझो छोटी क्लास का लेवल करके हिसाब से ऐसा समझो कि जैसे शक्ति, ताकत, ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा इंटेंस एग्जैक्टली है, अभी बस ऐसा समझ लो, ठीक है। आगे जाकर के इंटेंसिटी का बहुत ब्रॉड मीनिंग समझाएंगे, बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिटी का पार्ट आता है इंटरफेरेंस में, दैट वी विल बी डिस्कसिंग, राइट। सो इंटेंसिटी इज द फिजिकल पैरामीटर दैट इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, इसी को तुम्हारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखा गया है, ठीक है। नाउ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि दिस वुड करस्पॉन्ड टू वी नॉट वन, दिस वुड करस्पॉन्ड टू वी नॉट टू, दिस वुड करस्पॉन्ड टू वी नॉट वापस थ्री, राइट। सो वी कैन सिंपली सी कि भाई न्यू वन जो कि न्यू टू से वापस न्यू थ्री से ज़्यादा है, सो वी नॉट वन तुम्हारे पास वी नॉट टू तुम्हारे पास वी नॉट थ्री से ज़्यादा है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था पूरा कि ये विच फ्रिक्वेंसी, नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं क्या था, विच फ्रिक्वेंसी इज हाइएस्ट, विच फ्रिक्वेंसी इज तुम्हारे पास जो है हाइएस्ट, ये पूछा था, ठीक है। तो हाइएस्ट कौन सी फ्रिक्वेंसी है, हाइएस्ट तुम्हारे पास कौन सी है, न्यू वन तुम्हारे पास जो है हाइएस्ट है, ये वाली तुम्हारे पास जो है हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है, और न्यू थ्री वाली तुम्हारे पास कैसी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये फिजिकल पैरामीटर वाला बात इसका इम्पोर्टेंट है, बाकी बात तो उसका ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है इसके साथ। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन हमें और दे रखा है, आप उसको भी देखें जरा क्या है ये, इसने क्या बताया, इसने कहा कि ये यहाँ पे देखिए इसने ये है यहाँ पे इसने हमको दिया है, फिगर शोज द प्लॉट ऑफ थ्री कर्व्स ए बी सी शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटोग्रेन वर्सेस कलेक्टर विद पोटेंशियल फॉर थ्री डिफरेंट डेंसिटी आई वन आई टू आई थ्री। पहले फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसने दे रखा है, दोस्तों फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा इसमें, देखिए जरा। तो बात कर लेते हैं आपके जरा फिगर क्या है, तो ये रहा तुम्हारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा इसने ड्राइंग बना रखी है, एक ड्राइंग इसने ऐसे बनाई, ठीक है, ऐसे करके बनाई, फिर इसी से एक और ड्राइंग इसने निकाल दी यहाँ पे, ये तुम्हारे पास ऐसे करके, ठीक, और फिर इसने तुम्हारे पास एक और ड्राइंग यहाँ पे निकाल दी, और ये तुम्हारे पास ड्राइंग ऐसे करके निकाल दी, ठीक, इस तरीके से कुछ निकाल दी, इसने इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, और इसका नाम ए दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, और लिख दिया इसके सामने तुम्हारे पास कि ये आई थ्री है, ये तुम्हारे पास आई टू है, और ये तुम्हारे पास आई वन, ठीक, इसने ऐसा लिख के दिया। इसने कहा कि फिगर शो द प्लॉट हैविंग फ्रीक्वेंसी इन दिस, अब इसने कुछ और भी पूछा है, पॉइंट आउट द टू कर्व्स, इसने कहा कि पॉइंट आउट द टू कर्व्स, ठीक है, फॉर विद द इंसिडेंट रेडिएशन, फॉर विद इंसिडेंट रेडिएशंस
और विच इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है, हैव सेम फ्रीक्वेंसी, हैव सेम फ्रीक्वेंसी, हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट रेडिएशंस, बट डिफरेंट और डिफरेंट हमारे पास इंटेंसिटी, राइट। अब उसने क्या बोला, हम लोग जो कर्व पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही है ये कर्व कुछ, ओके। सो व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग कि यार आई वन आई टू आई थ्री इंटेंसिटीज हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री है, ठीक है। अब इसने कहा कि वो दो कर्व के बारे में बताओ जिसकी इंसिडेंट रेडिएशन पे सेम फ्रिक्वेंसी हो, ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी हो बट डिफरेंट वहाँ पर इंटेंसिटी हो। हमको एक सीधा सा लॉजिक पता है, हमको सीधा सा लॉजिक ये पता है कि अगर ये कोई तुम्हारे पास वी नॉट डैश है और ये कोई वी नॉट है, जैसे जैसे हम अपन फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, इसने कहा कि यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम एक कर्व को देखें तो हमको लग रहा है कि फॉर तुम्हारे पास आई वन एंड आई टू, ठीक है, फॉर तुम्हारे पास आई वन एंड आई टू स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, आई वन और आई टू के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो तुम्हारे पास सेम है। अगर आई वन आई टू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू वन तो इज इक्वल टू न्यू टू हुई, है ना, न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू हुई, इसने कहा, ठीक है। और देखा जाए तो न्यू सी के लिए आई थ्री के लिए क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू वन इज इक्वल टू तुम्हारे पास न्यू टू। तो वो कौन से दो कर्व हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी तो सेम है पर इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो वो साफ साफ दिख रहा है वो तुम्हारे पास कौन कौन से कर्व हैं, वो है तुम्हारे पास कर्व बी एंड तुम्हारे पास कर्व सी। कर्व बी एंड कर्व सी तुम्हारे पास दो ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेंसिटी तुम्हारे पास अलग है लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम है। आया समझ में, ठीक है, चलो जरा पाँच मिनट के लिए रीजन कर लो, मैं एक सवाल और करवा दूँ, पाँच मिनट के लिए रीजन कर लो, बस एक सवाल और कराते हैं फिर।